देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या करना है। तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ है कि एक कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर है। और ये कोण ए और कोण बी क्या होते हैं, न्यून कोण। क्या होते हैं स्टूडेंट, न्यून कोण। स्टूडेंट न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे 45, 60, 55 ये सब जो होता है वो न्यून कोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, गिवन डेटा है कि कॉस ए बराबर आपको दिया है कि कॉस बी के ये बराबर है, ठीक है। तो अब इसे हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। तो कोण ए और कोण बी स्टूडेंट क्या होना चाहिए, न्यून कोण, यानी ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी कोण बी को अगर यहाँ पे लिख दें, यानी बी हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो गया ए, और सी को आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों न्यून कोण होने चाहिए 90 अंश से, तो सी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसी को हम लेके चलेंगे कि कॉस ए और कॉस बी है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉस ए और cos b, तो अगर स्टूडेंट इसका हम मान निकालना चाहें तो cos a, तो cos a बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका आधार, ठीक है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, ac, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ac अपान कर्ण कितना है स्टूडेंट, ए बी लिख दीजिए, आपका क्या है, ए बी लिख दीजिए। और स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका कॉस बी है, तो कॉस बी देखिए स्टूडेंट ये ऊपर है, ऊपर के सामने वाले जो कोण होता है ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो अब कॉस बी है तो कॉस बी बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ए, यानी ए का मान कितना हो गया यहाँ पे बी सी, यहाँ लिख देंगे बी सी अपान। अब यहाँ देखिए आधार ए हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी लिख सकते हैं, कर्ण का स्टूडेंट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट आपका क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है आधार है, ये बी के लिए, ठीक है, और इसके लिए आपका क्या है आधार है और इसके लिए क्या है कर्ण है, ठीक है, क्या आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, ये जब भी दोनों की वैल्यू समान होती है स्टूडेंट ये कट जाता है, तो आपका बचे रहता है कि ए सी बराबर क्या है बी सी, ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट बराबर है। और एक बात यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने भी कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो प्लीज इसे नोट कर लें कि क्या होता है कि किसी त्रिभुज में, किसी माने त्रिभुज में एबीसी में दो कोण क्या होने चाहिए, दो कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, तो उनके कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाएगा, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उनके आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो देखिए एसी भुजा, एसी भुजा कौन सी है आपकी, ये भुजा, और कौन सी भुजा है बीसी, तो बीसी ये भुजा, ये दोनों का है आपस में बराबर है, इनके कोण भी क्या होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, ध्यान ही देंगे कोण ए बराबर क्या निकल जाएगा आपका कोण बी। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया, यहाँ इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ये बहुत ही आसान है, इसमें दो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें सबसे देख लेते हैं पहले क्या गिवन है, ठीक है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन जो आपको फार्मूला दिया है ये दिया कि cot, cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो ये दिया इन्फॉर्मेशन से लिख लेंगे, ठीक है। और आपको देखते हैं पहला जो दिया है लगाने के लिए सवाल वो है आपका कि 1 + sin θ और दूसरा है 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ, दूसरा है 1 + यहाँ पे माइनस हो जाएगा cos θ। इस तरीके से आपको वैल्यू दिया है।
तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे बात करें इसकी वैल्यू की, तो अब ये काम ऐसे दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ये आपकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है ये आधार बटे क्या होता है लंब दिया है, इसमें लंब पुट कर दीजिए और आपका फन निकाल लीजिए, तो साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, ऐसे पुट कर दीजिए तभी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको एक और आसान तरीका है, देखिए इसे किस तरीके से हम करेंगे। तो इस तरह आपको एक फार्मूला पता होगा, आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अगर हम इस वन को मान ले ए और इस साइन थीटा को मान ले बी, तो इसका अगर हम इस तरीके से देखते हैं ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है नहीं, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम इसमें भी इसी तरीके का इस्तेमाल हम लोग का यूज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान इसी तरीके से लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट एक का जो स्टूडेंट स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ऐसे थीटा लिख दीजिए, अपान नीचे क्या लिखा है एक का स्क्वायर स्टूडेंट एक होगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का इसी तरीके से होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया था, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा अगर है, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा है उसे क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका दोनों फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यानी हम देखिए यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसके लिए क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा देंगे क्या लिख सकते हैं, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमने कॉस थीटा लिख दिया, अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप इसे देखिए ये जो स्क्वायर है ना इसके पूरे पर स्क्वायर है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। अब मैंने एक और फार्मूला आपको बताया था स्टूडेंट कि कहीं पर भी अगर लिखा हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा हो उसे आप क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cot थीटा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है कि cot थीटा का मान दिया हुआ है, cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है 7/8, तो अब यहाँ पे देख लें 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल आप यहीं पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट है इसे किस तरीके से करेंगे, वो आपका दिया हुआ है कि निकालना ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो अभी मैंने बताया cot स्क्वायर थीटा किसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं cot थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, और आपको ये cot थीटा का मान पहले ही दिया हुआ है कितना है 7/8 है, इसका पूरे क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो 7 का आपका स्क्वायर कितना होगा 49 और इसका 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इस तरीके से आपका भी ये आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लें या तो स्क्रीन शॉट में, ठीक है। तो जो आपका 8 है इसे किस तरीके से करेंगे ये आपको सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ है 3 cot a = 4, तो सिद्ध करना है कि 1 - 10² a 1 + 10² a = होता है cos²a - sin²। अब आपको स्टूडेंट एक चीज का ध्यान देना है, जब भी हमारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, अगर या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ये राइट हैंड साइड आ जाता है, अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, इन केस कभी ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालते हैं और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों का आंसर अगर मैच करता है तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, इससे हम tan a cos a और sin a का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये हम लिखा होगा देखिए cot 3 cot a बराबर क्या दिया है 4, तो अब यहां देखिए क्या लिख लेते हैं इसे, इसे आप लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, तो अब इस तरीके से हमें ट्रायंगल बना लेंगे,
अब यहाँ देखिए ये लिखा है स्टूडेंट, आप फ्री हैं जब तक ये ना कहे कि कौन कौन सा कोड कहाँ पे लिखा जाएगा, तब तक आप किसी कहीं पे भी आप इसे ए यहाँ लिख लीजिए, बी यहाँ लिख लीजिए, सी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब कार्ड बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लम होता है, तो आधार ए नीचे है, ए के लिए आपका ए कितना होगा, ये आधार होगा और स्टूडेंट क्या होगा आपका लम होगा, कण की वैल्यू नहीं बिग बेन है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है तो कण की वैल्यू नहीं गिवन कैसे निकालेंगे, तो कण का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कण बराबर होता है लंब का वर्ग, ठीक है, और किसका वर्ग होता है आधार का वर्ग होता है, इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, तो लंब बताइए कितना है, तीन का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे चार है, चार का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर आपको पता होगा नौ, और चार का होता है सोलह, इसको जोड़ देंगे कितना होगा पच्चीस, और पच्चीस का वर्गमूल जो होता है स्टूडेंट वो पांच होता है, यानी कि हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट कितनी निकल के आई, पांच निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या, टेन ए चाहिए, फिर आपका कॉस ए चाहिए, फिर साइन ए चाहिए, तो सबसे पहले हम टेन ए का मान निकाल लेते हैं कि टेन ए का मान क्या है, तो अब स्टूडेंट ये आपका ये यहाँ पे है तीसरी के लिए आधार होगा ये लंब है, तो टेन ए बराबर होता है आपका क्या लंब बटे आधार, तो लंब मान कितना है यहाँ पे थ्री है और आधार कितना है फोर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री अपॉन फोर, इसका मान आ गया ए का मान आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से किसका मान निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए का मान भी हो जाएगा क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार यहाँ पे कितना है स्टूडेंट चार है, तो यहाँ पे कहते हैं चार और कर्ण कितना मान कितना है पांच है, ये पांच हो गया, यानी कॉस ए का मान चार बटे पांच हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से साइन का चाहिए हमें मान, तो साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, ये नीचे है जिसके सामने वाला लंब ये कर्ण, ठीक है, यानी इसका मान आ जाएगा थ्री अपॉन कर्ण है आपका फाइव होगा, ठीक। इस तरीके से सारे मान हमारा निकल गए, अब देखते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू हम प्रूफ करते हैं, वन माइनस टेन ए का मान कितना निकल गया तीन बटे चार, तो तीन बटे चार हम देते हैं इसका क्या स्टूडेंट होल स्क्वायर है अपन वन प्लस इसका क्या है स्टूडेंट टेन ए का, फिर से वही मान है तीन बटे चार का होल स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह, इसे आप लिख सकते हैं नाइन बटे सोलह, इसे नौ बटे सोलह लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते इसे बटे एक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे वन प्लस थ्री का नाइन हो जाएगा और इसका सोलह हो जाएगा, इसे बटे एक करके अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, फिर ये पूरा कर लेते, ठीक है, तो सोलह का नहीं सोलह और नौ, सोलह में से नौ जाएगा कितना बचेगा आपको इसको बता भी लेंगे, ठीक है, सोलह में से नौ जाएगा और ये सोलह का ना सोलह हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से आपको ये हम लिखेंगे, ठीक है, अब इसका भी इसमें करेंगे सोलह प्लस नौ डिवाइड बाई सोलह, देखिए अगर ऊपर नीचे कोई चार चीज होती तो ये सबसे नीचे ऊपर जाता है इसका पूरा इसमें होगा, ठीक है, सोलह में से नौ बताएंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट ये बचेगा सात, अब इसका ये जो सोलह ऊपर जाएगा यहाँ सोलह लिख दिया, ये देखिए सोलह लिखा है कैसे सोलह लिख लिया, ठीक है, और ये देखिए सोलह में कितना होता है पच्चीस, ठीक है, ये आपको ये सोलह से सोलह कर दिया जाता है आंसर कितना है सात बटे पच्चीस आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड साइड भी हमारा क्या सात बटे पच्चीस आता है, तब हम कहेंगे दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं इस तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें निकालना है साइन का मान और कॉस का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसे प्रूफ करते हैं, इसे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो अब यहाँ कॉस का मान भी निकाल चुके हैं ये और साइन ए का मान प्रूफ कर दीजिए, कॉस का मान कितना हमने निकाला है चार बटे पांच का स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है तीन बटे पांच का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, चार का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट सोलह, पांच का कितना होता है पच्चीस माइनस तीन का स्क्वायर उन्नीस और पांच का स्क्वायर पच्चीस, स्टूडेंट आपको पता है जब दो फ्रैक्शन दिए हो अगर उनका जो डिनोमिनेटर यानी हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं इसे एक बार देख लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ है तो जोड़ देते हैं घटाना है तो घटा देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे सोलह में से नौ जाएगा कितना बचेगा सात, यहाँ देख रहे हैं इसका आंसर कितना आ गया सात बटे पच्चीस, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी लास्ट में आपको दोनों सवाल को इस तरीके से दिया जाता है कि वन माइनस
टेन स्क्वायर के अपन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों आपस में क्या है कम बराबर है। इस तरीके से आप लिख के यहाँ पे प्रूफ भी लिख देंगे, आप कहीं बिल्कुल इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा नंबर सारा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आप स्क्रीन पर जिस तरीके से देख लिए होंगे कि आपने तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आप स्क्रीन पर देख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है इंक्लूड। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, आपको सेकंड क्वेश्चन जो है होमवर्क है, आप उसकी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया कि साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है, तो आपको एक चीज दिया हो कि टेन ए बराबर वन अपॉन करण के अंदर तीन दिया हुआ है, तो किस तरीके से इन सभी का मान निकाल कर वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरीके से हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है, लंब ये होता है क्या आधार होता है, टेन के रिलेशन में क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम इसको ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, सी यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है आपका वन दिया हुआ है, और ये आपका आधार जो है रूट थ्री दिया हुआ है, हमें एक कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो कर्ण को लिए कैसे निकालते हैं, ये एच होता है, इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। एच कर्ण होता है, तो आपका लंब का वर्ग, ठीक है, यानी आपका लंब क्या होता है पी का वर्ग, धन आपका ये बेस क्या बेस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका देखिए मान वन का मान ये एक है, एक का स्क्वायर प्लस बेस का मान क्या है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वन का स्क्वायर आपको पता है कि वन होता है। अब इसमें देखें यहाँ पे कि अगर कहीं पर भी रूट थ्री या रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन होता है या इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, अगर दोनों सेम सेम हो, अगर मल्टीप्लीकेशन हो इसके अंदर जो वैल्यू हो तो वही बच जाता है और रूट रूट क्या होता है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा थ्री, कितना मिल जाएगा स्टूडेंट तीन एक चार हो जाएगा आपका, और चार का वर्गमूल होता है स्टूडेंट टू होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसका मान कितना आ गया टू आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए साइन ए और कॉस सी, फिर कॉस ए चाहिए और साइन सी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए का मान कितना आएगा। तो देखिए स्टूडेंट ए नीचे है, ए के लिए लंब होता है, ये कर्ण ये आपका आधार है, तो ए है तो लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है यहाँ पे एक है, कर्ण का मान कितना दो है, यानी एक बटे दो आ गया। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे साइन सी, साइन सी ऊपर इसके लिए कोण ऊपर है जैसे लंब होगा ये, इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ तीन बटे, कर्ण कितना हो जाएगा ये दो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे कॉस ए का मान निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ कितना है रूट थ्री है आपका, ठीक है। कर्ण तीन बटे कर्ण कितना है आपका दो है, इस तरीके से क्या निकल जाएगा हमें चाहिए कॉस सी का मान चाहिए, तो कॉस सी का मान क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऊपर है ऊपर के लिए क्या होता है ये आधार होता है ये कर्ण होता है, इसका मान कितना हो जाएगा एक बटे दो, यानी क्या होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है एक बटे दो, जब आधार ये होगा क्यों आधार ये होगा क्योंकि इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आपका ये मान निकल गया। अब हम इस वैल्यू में क्या करेंगे इस मान में पुट कर देंगे, आपका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे रखेंगे। तो साइन ए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें वैल्यू बस पुट करनी है, तो देखिए साइन का मान हमने कितना निकाला वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन है, कॉस सी का मान कितना निकाला हमने यहाँ पे देख लिए एक बटे दो है प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं कि कॉस ए क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना हमने निकाला रूट थ्री अपॉन टू निकाला इन टू है, साइन सी का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे रूट थ्री अपॉन टू निकाला, ठीक है। इस तरीके लिख लिया वन का मल्टीप्लीकेशन होगा वन मिलेगा टू का फोर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो रूट रूट का फिर से मल्टीप्लीकेशन का कितना मिलेगा आपको थ्री, और टू टू का मल्टीप्लीकेशन करना फोर मिलेगा। तो आपको पता है जब भी किसी भिन्न का या फ्रैक्शन का हर बराबर होता है लिख देते हैं तो चलिए कितना होगा चार होगा, ये कॉस लेंगे कितना होगा वन मिल जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाता है वन आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब ये देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है आप इसे होमवर्क कर लीजिएगा, सेम आपको यही वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे कॉपी में लिख लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो में।